ये इसका सीरियल नंबर है। सही है। ओल्ड मॉडल का पिस्टन में डिफरेंट बताते हैं कि क्या पिस्टनों में डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद आरिफ सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHS वीडियो। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई अनबॉक्सिंग के साथ। आज काफी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो थोड़ा मसरूफ था, थोड़े मसरूफियात थी तो उसमें बिजी था, यानी मसरूफ था। तो आज मैं एक नई अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ और रिव्यू लेकर आया हूँ। रिव्यू बहुत मजेदार होने वाला है, अनबॉक्सिंग बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो अनबॉक्सिंग की मिलती रहे। अब बहुत मजेदार वीडियो आने वाली है। तो आज मैं जिस चीज की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ वो है CDI 70 के एटलस होंडा के पिस्टन है। एक ओल्ड मॉडल का पिस्टन है और एक ग्योरो का पिस्टन है। इनका डिफरेंट भी बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या है। ये 50 नंबर के दोनों पिस्टन है। पहले तो जो बाइक में 0 मीटर बाइक में लगकर आता है वो तो 0 का होता है, सही है। उसके बाद वो जब पिस्टन खत्म हो जाता है तो 50 का पिस्टन फिट होता है उसमें। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। एक ग्योरो का पिस्टन है इसमें और एक ओल्ड मॉडल का पिस्टन है, तो दोनों का डिफरेंट बताएंगे क्या डिफरेंट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस चीज की मैं अनबॉक्सिंग करूं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि उस चीज की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और डिफरेंट बताते हैं कि क्या पिस्टनों में डिफरेंट है कि इन्होंने ग्योरो का ओल्ड मॉडल का पिस्टन चेंज करा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पिस्टन CDI 70 का, दोनों पिस्टन है, ये चेक कर सकते हैं आप और ये वाला भी चेक कर सकते हैं। अब दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे फिर आपको डिफरेंट बताएंगे कि क्या डिफरेंट है। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पिस्टन है CDI 70 के दोनों। ये आप देख सकते हैं जेन्यन पार्ट्स इस्तेमाल करें। ये एटलस होंडा का जेन्यन पिस्टन है। ये इसका बारकोड नंबर है और ये इसका सीरियल नंबर है, बल्कि ये बारकोड है इसका और ये सीरियल नंबर है। पिस्टन की 50 CD 70। ये एक पिस्टन हो गया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये दूसरा पिस्टन हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये 3880 लिखा हुआ है। ये 0880 का ये वाला पिस्टन है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप 38 लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब इसका निकालते हैं। इस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है GB5। सही, ये GB5 है और ये 38 का पिस्टन है। तो इनके अंदर डिफरेंट ये है। पहले आपकी इसकी रिंगे चेक करते हैं। ये रिंग है इसकी, ये चेक कर सकते हैं। ये 5 रिंग होंगी एटलस की जेन्यन, पिस्टन ही जेन्यन तो रिंगे भी जेन्यन होंगी। इस पे रिंगों पे लिखा हुआ भी होता है एटलस, चेक कर सकते हैं। ये देखिए एटलस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है एटलस। ये 50 लिखा हुआ है और इस पे ये मार्क, जो मार्कर के निशान होते हैं ना, ये चेकिंग में ये मार्कर के निशान भी लगाते हैं इसमें। तो
ईयरिंग है इसकी। और ये है इसकी पिन लॉक, पिन लॉक ये है इसका पिन लॉक, सही है। ये भी दूसरे का भी पिन लॉक देख सकते। और ये इसकी सेम रिंग है। अब आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंट क्या है। रिंगे और पिन लॉक सेम होते हैं। पिस्टन जो है ये 3/8 का जो पिस्टन है ये थोड़ा लॉन्ग पिस्टन है, सही है। इसकी जो लेंथ है ना वो हल्की सी बड़ी होगी, सही। और ये जो है GB5 का जो पिस्टन है ये इसकी जो लेंथ होगी ना ये छोटी होगी, ये इसमें डिफरेंट है। यूरो का जो पिस्टन है वो थोड़ा छोटा पिस्टन है, और ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा पिस्टन है। साइज बिल्कुल सेम है, साइज राउंड जो है इसका बिल्कुल सेम है, बस लेंथ का फर्क है। तो ये है ओल्ड मॉडल का 3/8 वाला, और ये GB5 वाला जो है ये है यूरो का पिस्टन। तो ये है इसमें डिफरेंट, बाकी सेम पिस्टन है, ये फर्क है इसमें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अनबॉक्सिंग डिफरेंट समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह एटलस होंडा की अब अनबॉक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा एटलस होंडा के पार्ट्स लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, तो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद हारिस सलीम, अल्लाह हाफिज़।